আই বহিনা গে বহিনা, আই বার হে বার সাগে বহিনা, আচারাই আই বনালি এই বনালে আচারা বাগে বহিনা, মকরা বিয়ায় লই না। মেরা নাম শান্তি দেবী হুই, मई के कपिलेश्वर सीमा है। पिताजी का नाम हुआ रामचंद्र पासवान, माताजी के नाम स्वर्गीय कौशल्या देवी, ग्राम रहिका बाची के रहने वाली सीमा गांव की है। शादी लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी में है। पति का नाम शिवन पासवान, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वो भी है। हमारे टाइम में लड़की सब को पढ़ाई नहीं करने देती थी, हम तो चुपके चोरी से एक ऊंचे लोग हैं उन लोगों से दोस्ती है, ब्राह्मण गाँव है हमारा, तो उन लोगों से दोस्ती, बच्ची लोग जो पढ़ाई करती थी उन लोगों से जा जा करके माँ कुली के काम करती थी, खेत में जा जा के काम करती थी, सभी के सारे घर में खेत में अपने भी काम करती थी। 4 महीना के अवस्था में हमारा पिताजी को देहांत हो गया, तो माँ काम करती थी खेत में, तो उनके जरिए कभी कभी हम जाती थी, गृहस्थ बोलते हैं हम लोग ब्राह्मणों को, उनके यहाँ तो पढ़ाई देखती थी, तो हमें भी शौक लगा। भैया पढ़ाई करते थे तो उसके लिए, पढ़ाई के लिए खासकर बहुत खुशी और हार्दिक इच्छा थी हम भी पढ़ेंगे, पर लड़की लोग को हमारे यहाँ गांव में कोई नहीं निकलने देते थे पढ़ने के लिए, हमारे कास्ट में या किसी भी कास्ट में तो नहीं, ओनली ब्राह्मण यहाँ जो है उन लोग को, बच्ची लोग 2-4 गो पढ़ती थी ना, तो उनसे जाते जाते माँ के साथ हमको दोस्ती हो गई। उन लोगों को पढ़ाई करती थी और देख करके ही कंठोस हो गया, लिखना नहीं आती थी हमको, उनको पढ़ाई जो कर रही थी वो लोग, और देख देख कर हम मुझबानी कंठोस किए। फिर माता जी के बोले हम भी पढ़ेंगे, तो भैया एक दिन आए जो इसको नाम लिखा दो, 5 रुपया पैसा 4 आना दिया, इनको नाम लिखा दो स्कूल में। भैया नहीं, एक झापर लगा दिया जो नहीं नहीं तो पढ़ाएंगे, बाप रे बाप, नहीं 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 हमको तो लोग भगा देगा। लेकिन इच्छा जो हमको थी जो हम पढ़ाई के ओर हम करें, भैया स्कूल चला गया तो माँ ने जाके हमको नाम लिखा दिया, 1 रुपया लिया। तब से फिर 3रा क्लास में तक ऐसे ही करते करते किसी तरह 3रा तक हम गाँव में ही पढ़ाई किए। उस टाइम में तो कपड़ा का तकलीफ, पेंसिल का तकलीफ, कभी सिलेट का तकलीफ, फिर भी बोर्ड पर जा जा करके, और दोस्ती जो है लड़की लोग सबसे वो लोग मदद करती थी, उन लोग को जो अंगना में हम जाते थे तो बड़ी कठिनाई के साथ उन लोग को माता पिता मारता था, जो इससे कहे छोटे कास्ट है, ये लोग से कहे दोस्ती कर रहे हो, बका बका बका। तो बिल्कुल उस गाँव में हम अलग टाइप की, हमारी माँ मैं फैमिली में 2-3 आदमी, भाई एक माँ एक हम, पिताजी तो चले गए, उसके बाद 2 भाई बहन हम हैं। माँ अच्छी परवरिश करके उन्हीं खेती बाड़ी करके, और अच्छा उन लोग को संस्कार में हम रहती थी देख देख करके, पढ़ाई किए बहुत मुश्किल से, स्कूल में भी नहीं बैठने देते थे हम लोग को, मेरे को खास करके, थोड़ा लड़ाकू थे, घसकते घसकते मास्टर वहां है तो घसकते घसकते वहां तक, फिर भगा 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 इसको। एक दिन मास्टर के पूछे क्यों ऐसा हमको कर रहे, भगा भगा हम क्या है, हम उतना नहीं, उतना चंचल थी, उतना डिस्कर्स करने का मालूम नहीं था ऊंच नीच का, तो कहा तुम भागो, तुम पढ़ाई करोगे ना तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन वहां से पढ़ो। प्यास लगा डंडा में पानी पीने गए पंडित जी हमारे 2-3 का दादा, नहीं पीने दिया। उस दिन से बहुत रोना शुरू घर किए, बहुत आंगन में जाके तो कहे जो क्यों बच्चा लोग आया, क्यों क्यों ऐसा किए, एक दूठो बच्चे को चलो हम भी पढ़ेंगे, मेरे पंडित जी का यहाँ प्यास लगी पीने नहीं दिया, एक झटा मारा यहाँ पर तो मर गए। वो बहुत कठिन से चोरा छुपा करके हम 10वां क्लास तक किए। इसके बाद में शादी लहरियागंज में हो गई, भैया काम करते थे वहाँ ठीका पे कलेक्टर गेट में 76 में 14
15-16 में हमको शादी हो गई, छूट गया पढ़ाई, फिर यहाँ आए। यहाँ पर भी सोचे टाउन में शादी हो रहा है, बहुत इच्छा जो अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। यहाँ तो जितना सुखी में से आए हम, शायद अभी बहुत अच्छा है। हमारे जैसे सब बेटी पुतों के हो, बहुत गरीबी में यहाँ फंस गए। बहुत नाम सुनते थे ससुर जी सबका, पन्ना पजियार को 60 बीघा जमीन है। यहाँ पर आए जिस दिन खाना शादी करके आए तो भोजन भी नहीं खाए, हम खाना भी नहीं बना घर में। सोच सोच करके क्या कहे, बहुत ये हो गए, ये क्या हो गया। अब वहां से एक बाप नहीं है, बाप मालूम है ना, पिताजी वो नहीं है। और दूसरा में यहाँ शादी भी हुआ तो यहाँ आकर के खाना भी नहीं मिलता, कैसा घर, घर भी नहीं, छोटा एकदम घर, छोटा बांस के, कहीं पानी उधर गिरता है कभी उधर गिरता है। ऐसे में 5-6 भाई बहन हमारे हस्बैंड थे, सब किसी को शादी विवाह नहीं हुआ था। फिर भी किसी तरह हम 1 महीना यहाँ रहे, गाँव में गए, फिर वापस। सब कहे कैसा घर द्वार है, कैसा नहीं। हम तो लाज के मारे क्या कहेंगे, अरे बहुत अच्छा है। अरे तो खाने के लिए कैसा हो गया है, भूख नहीं है? नहीं, खाना नहीं अच्छा लगता था। एक दिन खाना होता था, 2 दिन के बाद 2 दिन खाना हुआ, फिर 1 दिन 2 दिन नहीं। हम तो खाए पिए घर के बच्चा, माँ को तो 2 बच्चा हम थी, खेती बाड़ी धान चावल ये वो बहुत, वहाँ खाका करके बकरी का दूध 1 लीटर का हम पीते थे। तब हमको फर्क नहीं पड़ता था जो भूखे हैं या क्या है, लोगों को नहीं हम बताते थे। इसके बाद में शादी हो गई, आपस हो गए हम। इसके बाद में हमारे गांव में माँ बनाती थी एकदम शादी ब्याह में, घर घर में जाके। फिर यहाँ से हम गई, माँ तू सही में ये सब बनाई है? हमारे ससुराल में कौशल्या देवी, स्वर्गीय कौशल्या देवी माँ को बताई, जो माँ तुम लोग जो बनाती हो, तो ये तो बहुत खुशी थी। रहिका को जितवारपुर में पढ़ने जाते थे, रहिका को पूना देवी, उनको देख देख करके बहुत इच्छा थी हमको, जो अरे बाप रे ये सब तो हमारी माँ बनाती है, हम भी बनाएंगे। माँ बेचती है वहाँ जितवारपुर गांव में, लोग आते हैं तो बेचने खरीदने के लिए आते हैं लोग, तो हम भी खरीदो, ठीक है तो हम भी बनाएंगे। उस टाइम से 76 से हम डॉक्टर रायमंड नाम के आदमी आए विदेशी, और हैंडीक्राफ्ट में हमको 76 में नाम, 77 में नाम हुआ गौरी मिश्रा के द्वारा, रौदी पासवान के द्वारा। इस गांव में जितवारपुर गांव के उनका बहन को हमारे देवर से शादी हुआ, तो दोनों को रिलेशन हो गया। तो उन्होंने बताया जो शांति तो बहुत तेज है, इसको पेंटिंग सिखाओ। तो हमको एक ठो दिया एक कागज, इसमें कोहबर बनाओ। कोहबर जो होता है अभी तो जो झाड़ू करके बनाते हैं, उस टाइम का कोहबर बना करके दिए, हैरान हो गए वो। फिर हमारा नाम दिया वहाँ हैंडीक्राफ्ट में, रोजी पासवान जी हमारे हस्बैंड को ले गए, नाम दिए। फिर सासू जी वो भी बनाती थी, वो गोबर घोर के नहीं होता, ये गोबर मिट्टी क्या क्या ये सब झुटका बोलते हैं हम लोग, पीस पीस करके बनाती थी, पर बेचती नहीं थी, पहुंच नहीं था हमारे घर में। वहाँ लहरियागंज कोई भी अभी भी कोई आते हैं जितवारपुर चले आते हैं, लहरियागंज में तो नामे बुता दिए, कलेक्टर ही गया है, तो नहीं आते थे। तो इसलिए धीरे 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 सर पेंटिंग पर हम दोनों मियां बीवी बनाना शुरू कर दिए। 1 महीना के बाद फिर तुरंत हम ससुराल चले आए पेंटिंग के लेकर के, जो हम वहाँ पर बनाएंगे घर को उठाएंगे, हमारा घर गरीब है। पेंटिंग दोनों आदमी बनाते बनाते बनाते, एक ही आदमी को खरीदता जो डॉक्टर रायमंड, 2 रुपया से लेकर 4 रुपया तक खरीदना शुरू किए, और खरीद करके ले जाते थे। बाप रे एक दिन में दिए 800 रुपया को हुआ उसी में, बाप रे हमारे ससुर जी कहाँ रखेंगे हमको बेटा को, कितना खुशी हुए, कितना खुशी हुए। कुछ खाना पर नहीं बना देते थे, नहीं बनाइए बनाइए बहू बनाइए। राजा सलेश का स्टोरी, काली दुर्गा,
भगवती क्या सब होता है ये सब शुरू कर दिए। ये जितवारपुर गांव है, ये डाक बंगला यहाँ वहाँ बोलते हैं, इससे दूसरा उधर है बउआ देवी घर के पास, तो वहाँ पर आए, वहाँ पर आए वही गीत गागा करके ये पूछते थे। एक एक जो स्टोरी है वो डॉक्टर रमन पूछते थे। तो 1978 में हमारा 77 में हम एग्जीबिशन में नाम हुआ गौरी मिश्रा द्वारा, डॉक्टर रहमान रही पासवान। और 78-79 में हमारा लड़का गोदी में आया, बस 78 में हुआ, 79 में मैंने लास्ट 78 और 79 आते हुए हम चले गए रांची। हैंडीक्राफ्ट में नाम आया हमको, तो हैंडीक्राफ्ट सुनते थे, नाम नहीं अभी आया, लेकिन प्रदर्शनी में देने लगी सब बोलिया है, वैसे ही नाम आया। नाम आया तो बड़ा इच्छा से हमारे ससुर जी बहुत प्रेरणा दिए, जो घर से निकालने का जैसे हम कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो बहुत सहयोग देते थे। तो उनको बच्चा को लेकर के रांची गए, रांची में फिर एग्जीबिशन किए, कोई किसी को बिक्री नहीं हुआ। एक की तो 6,000 के पेंटिंग 300 रुपया में बेच दिया रोजी पासवान, और वही पेंटिंग अथी पैसा से सब कलाकार को उठा कर उठे आए, नहीं बिक्री बच्चा हुआ। मिश्री सदा वहाँ पर मंत्री थे रांची में, तो उनके द्वारा उद्घाटन हुआ, बहुत हुआ उस टाइम का तो उतना याद नहीं है। हुआ हम लोग को कहा जो जाकर के आप लोग को दिए बैठेगा, हम लोग करते हैं ये सब, तो उन्होंने लिखा पढ़ी किया, फिर बाद में पैसा दिया कि नहीं नहीं ध्यान है। फिर आए फिर 80 में फिर हम प्रगति मैदान गए, 80 में प्रगति मैदान बुलाया, 81 में डायरेक्टर मदन थे, अपना बाजार बोलते हैं गांधी मैदान का, उन्होंने उनके द्वारा। इसके बाद वो सेकंड वाली लड़की थी, छोटा लड़का का बड़ा लड़का से सेकंड वाली लड़की हुई, तो उसमें हम गए। तो उसी जगह से एक बड़ी अम्मा, नाम है नाम नहीं जानते, कुकुल जयकर बोलते हैं उनको, उनसे मुलाकात हुई हमको मियाँ बीवी दोनों को। तो कहे जो ये कलाकारी ये कहाँ से कैसे कैसे बनाते हैं, हाथी घोड़ा ये नेचुरल कलर, पैसा नहीं था उस टाइम में, तो उधर का दुभी है, घास है, गेरू है, पीस पीस करके ईंटा से लोरी से लोट कर ईंटा से पीस पीस करके उस पेंटिंग में किए, उस वहाँ पर बैठ के जो उन्होंने बताया। जो विदेश जाएंगे आप तो ऐसे कन्या मनिया ऐसे थे हम, फिर ऐसे करके जो ऐसे कन्या है फिर मुंह उघार करके बड़ी उतावली से, हाँ विदेश जाएंगे, तो सब हंस पड़े वहाँ, बाप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, विदेश मालूम है नहीं, हवा जहाज पर मालूम है, लोग जाते हैं ना उसको ना विदेश कहते हैं, हम जाएंगे। सब वहाँ पर नाम लिख लिया, तुरंत नहीं बोला जो हम भेजेंगे, बहुत बड़ा कागज का ऑर्डर दिया, जो 10x10 फीट पर लिखो, पास हो जाओगे तो आपको भेजेंगे। 81 में वहाँ से बड़ा पेपर लाए हम लोग यहाँ पर जाके, फिर वही मट्टी घिट्टी 81 तक 81 82 83 तक 83 में पटना में जो एग्जीबिशन हुए तब से पैसा कुछ पेंटिंग से आने लगा, और सुखी संसार जो कहते हैं सब धीरे धीरे हमारा घर लौटने लगा। 84 में आकर के वो पुपुल जयकर और रति विनय झा डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर सब मिल के, उप विकास सब है डीसी सब मिल के हमको अवार्ड के लिए चुनाव मियां बीवी दोनों को दिया, मगर हमारे हस्बैंड को नाम निकला। मनु पारक जी के जानते होंगे, उनको दोस्त है, दोनों पेपर एक ही पेपर जमा हुआ, हमारा पेपर जो 79-80 में स्टेट बार जो मिल गया तो उस पेपर को पटने में था, हस्बैंड को हम बोल दिए 150 रुपया में बेच दिए, आए हस्बैंड के ऊपर बेच दिए 150 रुपया, वो हम अवार्ड में लगा दिए उस पेपर को जो वहाँ दिया, तो यहाँ अवार्ड में लगा दिए बेच दिया। बाप रे इतना दो चार जूता मार भी खाए, बाप रे इतना बड़ा पेंटिंग तू बेच दिया। हमारे हस्बैंड दो चार
खप्पर लगाया जो कहा था, फिर भी हम नहीं बोले। 80 में वो निकला वैकेंसी दलित बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर का पद, तो उसमें हमने ससुर जी को कहे जो हम टीचर में जाएंगे, इसमें दलित बच्चों का है तो हम भी जाएंगे सिखाने के लिए, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, भूखे से तो अच्छा रहेगा जब पढ़ाई लिखाएंगे, कुछ पैसा तो मिलेगा। तो हमारे ससुर जी भेजवाए रिक्शा करके, छोटा ससुर के साथ हमको भेजवाए वहाँ पर। 1980 पर 81 होते होते 81 में 1980 से 81 तक एक महीना का उसमें हम गए खाली भोजन पर। दूसरा महीना में कपड़ा उपड़ा था नहीं, पहले ऐसा उसा कहाँ से आया। एक ननगिलाट बोलते हैं सादा, हम लोग ननगिलाट पहले पुराना का ननगिलाट को क्या बोलते हैं अभी, मार्किन सादा, उसको सादा को साफ सुथरा करके वही साड़ी पहनती थी मैं, उधरे उधरे नेता के जैसे। और वही पेड़ का गए तो धनिक लाल मंडल आए तो कहे ये तो टीचर अच्छा है, कुछ क्वेश्चन पूछा, हम क्वेश्चन को उत्तर दिए तो कहा ठीक है आपको अगले महीना से 50 रुपया आपको शुरू कर देंगे, महीना में 50 रुपया महीना शुरू कर दिया उन्होंने। बड़ी मन एकदम गदगद हो गया, 50 रुपया महीना हो गया, अब तो हम पढ़ाएंगे लगन से। फिर दूसरा दिन कहता है जो आप जितना दलित बच्चा के लाओगे उतना दरमहा बढ़ाएंगे, आपको लहरियागंज में हलखोर बोलते हैं जो मैला फेंकने वाला डोम, जो सूप डगरा बनाते हैं सूप डगरा, वो डोम सबके यहाँ हम जाते बच्चे लोग, घिनान घिनान बच्चे लोग रहता था, उन लोगों को रोमाल लेकर के मुँह कान पोछ पोछ करके, नेटा पोटा पोछ पोछ करके उस बच्चे को फिर गोदी में उठा करके, जैसे घैला उठाते हैं वैसे गोदी में उठा करके पकड़ पकड़ करके हमने स्कूल में दलित स्कूल में रखे थे और पढ़ाई कराती थी। ऐसे करते 81 तक, 81 पूरे 81 तक शुरू हुई। फिर पेंटिंग का ऑर्डर जो एवार जो हमको मिल गया, तो पेंटिंग का ऑर्डर जो ये बनाओ वो बनाओ डॉक्टर रमन के द्वारा मिलने लगा ज्यादा, बस हम दोनों आदमी फिर वो स्कूल में छोड़ दिया, वो स्कूल में पढ़ाई छोड़ दिए वहाँ छोड़ के। और कुछ दादिया ससुर है सास है वो विरोध किया जो नहीं हमारे घर का बच्ची सबको नहीं बेटी पुतों को नहीं बाहर निकलने देंगे, वो आए हमारे ससुर जी का बुआ लगेंगे, वो आए गांव से कहा बाप रे बा नौकरी करेगा हमारे घर का बहू, नहीं जाने दिया। दूसरा दिन वो छोड़ दिया, छोड़ करके पेंटिंग में लग गए, पेंटिंग बनाते बनाते डॉक्टर रमन 81 82 83 फिर वो जो प्रगति मैदान में पुपुल जयकर जी वो उनको भेजा मनु पारक जी को, फिर बड़ा वाला पेंटिंग जो दिया था वो बना कर हम लोग कहीं 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 करके उनको दिए, सीता देवी दिए, बड़ा बड़ा कलाकार सब सब दिए, उन्होंने हमारा पेंटिंग ले गए वहाँ पर, वो सिलेक्शन हो गया 83 में। अरे ये पेंटिंग को भेजो, इतना बड़ा था यहाँ से लेके इतना बड़ा पेंटिंग 10x10, तो ये कलाकार कहाँ इनको बनाओ, उसी उस पेंटिंग पर 10 आदमी कलाकार में मेरा नाम सिलेक्शन डेनमार्क के लिए, इंदिरा गांधी जी जा रहे थे डेनमार्क कोपेनहेगन, तो उसी में सब सोनिया गांधी राहुल प्रियंका छोटा छोटा वो सब भी गया, तो उसमें मेरा डेमोन्स्ट्रेशन 15 दिन का हुआ। सेकंड वाली बेटी हमको 1.25 साल के करीब हमको गोदी में थी, मैंने कहा जो बच्ची को भी ले जाएंगे तो नहीं वीजा लगेगा बच्ची को भी, तो नहीं जाने का स्वीकार दिया। तो हम लोग तो बच्चे को दूध पिलाते हैं अपना ही खुद, उस टाइम में कहाँ से क्या आएगा, तो अपना दूध पिलाए और खाए पिए जो मिला वो खा करके रहते थे, तो बच्ची के किसी तरह छोड़ दिए गांव घर में गाय का दूध लगवा करके हम चले गए डेनमार्क। 15 दिन नहीं रह पाए डेनमार्क का स्थिति, बाप रे अभी अब बुझ गए हैं, रहन सहन मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ का, ओपन टू ओपन सेक्स ओपन। तो 1981 से हमने हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में गए, नाम गया मैं गए, और वहीं से दलित समस्या शुरू हो गई। इसके बाद में दलित के ऊपर वो एफ पी मिश्रा बोले
जो देखिए आप काली दुर्गा सब बनाते हैं, आपका देवता कौन है? रोबी पासवान हमको आगे ज्यादा बढ़ाने का हम बोलने में मैं के ऊपर बोलती थी, उन्होंने बोला तुम बोलो जल्दी। हमारे देवी देवता तो सब मानते हैं, काली दुर्गा महादेव को सब पूजा करते हैं, लेकिन कास्ट को अगर आप कह रहे हैं तो राजा सलहेश का स्टोरी बहुत 7 दिन 7 रात लगता है, पूजा में 3 महीना लगता है, सावन भादो अखाड़ सावन भादो 3 महीना पूजा आते हैं उधर से नेपाल से, और पूरा मूल इंडिया में पूजा लेकर फिर सावन भादो में चले जाते हैं, फिर आसिन दुर्गा पूजा शुरू होता है। तो मानते हैं सबको, ये स्टोरी अब गोदना पेंटिंग शुरू हुआ परंपरा, गोदना पेंटिंग जो है जो ये गोदना पेंटिंग कोई गोदवाते नहीं है, अब इसको कैसे रखा जाएगा ये भी उठा दिया सब। आजकल के बच्चे लोग आया तो नहीं बाप ये करता है, तो हम लोग उसको आलोपित नहीं होने दिए, कागज पर साड़ी पर सूट पर इसका स्टोरी शुरू कर दिए। दलित लोग का ही गोदना है, फिर बड़े लोग फिर बनाना शुरू कर दिया, कुछ दिन बिक्री बट्टा नहीं हुआ तो सब ये लोग गोदना पेंटिंग चालू कर दिया। फिर हम लोग कहे हम लोग जो बनाए हैं विरोध किए, तो आप लोग कहा है कि हमारा ब्राह्मण पेंटिंग क्यों बनाएगा काली दुर्गा, और हमारा पेंटिंग जो गोदना पेंटिंग आप लोग क्यों बनाते हैं? तो दलित समाज हम लोग बैठे जितवारपुर लहरियागंज 2-4 आदमी सब कोई कलाकार आए और कहे जो दलित समाज को जो हमारा पेंटिंग ये लोग बनाता है, दलित समाज को बड़े लोग बनाते हैं नहीं बनाना चाहिए, तो हम लोग दलित समाज का पेंटिंग शुरू करेंगे। तो उसी टाइम में हम लोग पेंटिंग दलित समाज का गोदना पेंटिंग गोबर नेचुरल पेंटिंग भित्ति कला चित्र जो असली नाम है इसका, सब झाव झाव बोलते हैं खाव खाव करके बोलते थे, हम लोग को बैठने नहीं देते, उचित समाज समझते हैं। पेंटिंग लेकर ऐसे खड़ा है ऑफिस में भी कतार में हम लोग खड़ा है और वो लोग अरे बाप रे ये लोग आ गए, अरे दे छुआ जाएगा हटो हटो हटो, पंडित लोग नहीं आदमी देते थे, कतार होता था हम लोग में, एक तरफ हम लोग है एक तरफ इधर है, दलित में चमार है दुसाद चमार मुसहर हलखोर सब पेंटिंग में आए और कतार लगते थे, तो नहीं ऐसे टच करना भी बहुत ही होता था उन लोग को। फिर डॉक्टर रमेंड आए अमेरिका वाला पेंटिंग करने जितवारपुर गांव आए, जितवारपुर गांव आए पेंटिंग दिए, और उस पेंटिंग में उतार चढ़ाव होता है, फल्ला घर डाइन है उसमें दलित समस्या का जो जाइन होता है दलित लोग, हम हमारे गांव में काहे आएगा, उसमें उसमें पहली महिला मैं थी जो जितवारपुर गांव में आए हैं पेंटिंग बेचने, और डाइन नहीं बोला कहा जो इनके गांव में डाइन है ये भी होगा ऐसे करके, तो मैंने उस पेंटिंग पर वो समस्या पेंटिंग हम लिखी डॉक्टर रमन को दिए, वो डॉक्टर रमन 5,000 रुपये हमको स्पेशलिस्ट दिए, उसको डाइन बनाए ओझा बनाए और जो कोई बोला उनका नाम उनका चित्र अभी तो बिल्कुल अच्छा सा अच्छा बनाते, उस टाइम में जैसे दीवार पर 2x2 दीवार पर है ना वैसे ही बनाते थे, ये डाइन है ये ओझा है मैं है वो ये रोधी भाई है ये हमारे हस्बैंड है, सब कोई आते थे यहाँ पर आए हैं, फलाने आदमी बोला डाइन के जैसे बोलता है, डाइन जोगिन बोलता है, तो राजा सलहेश मोतीराम होता है सब डाइन के स्टोरी बोलता है ये लोग, हमारे ससुर जी डाइन ओझा का स्टोरी बनाते थे ओझा खेलते थे, तो ये लोग बताइए लोग दलित लोग में तो डाइन बहुत होता है। मैंने उस टाइम में पेंटिंग शुरू किया जो 6 महीना का बच्चा कास्ट लोग में 6 महीना का बच्चा डाइन होता है, ये तो हम लोग में कौन है, तो फिर गीत शुरू करके गागा करके गीत पेंटिंग में दिए डॉक्टर रमन जी को, 84 तक उनको पेंटिंग दिए हैं ये सब स्टोरी, इसके बाद में उनको वो चले गए, फिर हैंडीक्राफ्ट जो है तो डाइन ओझा 6 महीना का बच्चा जो डाइन होता है जापान में भी लिख दिया, फिर जापान जो गई हूँ मैं 95 में और
97 98 में, तो वहाँ पर देखे हैं तो बाप रे, तो बड़का कलाकार कौन ने लिखा ये डाइन के शब्द, हम लोग इसीलिए नहीं आने देते। कल तो ये लोग सारे कमा उमा को पूरे जापान में एकदम ये हो गए। हम लोग चानी बोलते हैं, चानी माने चानी के मतलब खूब सौकारा, तो वो हो गए ये लोग। लास्ट में हम लोग गए जहाँ सकवा को कहे जी हम इसीलिए नहीं आप लोग बुलाते थे, चानो देवी नेशनल आबादी मर गई। और हम एक तो जमुना देवी आई तो एक डर रही, उसको भी और एक डाइन होगा भगा भगा, उसको भी भगा दिया, तो वो भी बेचारी मर गई। फिर बाद में हम गए हैं तो कहे तो जैन का शब्द हम लोग में नहीं, इस जो आदमी बोला है नाम नहीं लेते बुरा लगेगा, इसलिए कि जो आदमी लिखाया है वही आदमी जाने है। उनका जाति जो है 6 महीना का बच्चा होता है टाइम, फिर कहा है कौन बनाया, कौन कहता है आप गीत गा के आप लिखिएगा, ले लाइए। इतना बड़ा बहुत बड़ा कोकरी बोर दिया इस जैन ओझा को, आप लिखिए बस पूरा जैन का चक्कर क्या होता है। हमारे ससुर जी बनाते थे जैन ओझा, और वहां से रामन उनको लाए हसकबा के यहाँ, फिल्म भी बनवा दिए डाइन ओझा पर अपने यहाँ। और तब जाके वो वहाँ बोर्ड हटाया, फिर स्टोरी बताए गीत गा करके 6 महीना का बच्चा। अभी भी हम लोग बनाते हैं तो सीखने जाते हैं तो वो बच्चा बोलता है हम डाइन सिखाएंगे आओ ना, तो वहाँ पर हम स्टोरी वो बनाए तब वो लोग समझा देंगे। स्टोरी है बोलने से नहीं होता है, छोटे कास्ट बड़े कास्ट में बहुत समय से झगड़ा, अभी भी गांव में छुआछूत है। लोग कहता है नहीं है, अभी भी गांव में छुआछूत है। और हरदन लोग का कहते दबा कुचला में से एक मैं निकली लड़ाकू बन के आगे, अब निकली मैं निकाल कर आगे तक हैंडीक्राफ्ट में स्टेट अवार्ड नेशनल अवार्ड करके हमारे फैमिली में धीरे धीरे, तो कुछ नहीं धान चावल ये सब का तो नहीं था कुछ, तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला 84 में, वो वापस हम दे दिए जो हम नहीं लेंगे। तो कहे जो फिर आपको दिया मिले, हमको तो घरे नहीं है तो हम कहाँ रखेंगे, भोज खाने गए तो फिर 62,000 रुपया सेंक्शन करके बिहार सरकार को भेज दिए ज्ञानी जेल से। फिर घर हमको बनाया गया, उसमें भी कितना कितना झंझट, इसको कैसे मिल गया, कितना झंझट। चौपदमा चौबे MLA थे वो भी ये लोग सिखा दिया, घर नहीं बनने देता था। फिर उसमें गए तो जाके कितना गोर दाढ़ी उनको 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 करके फिर कैसे घर बन गया। हमको पुराना घर देखे है ना, इसके बाद झड़ झूठ जाता है तो फिर अपना पैसा इधर उधर से आता है। तो मेरा पेंटिंग का तो फ्रांस में भी लगा, मेरा पेंटिंग विदेश में इन्होंने लगाया, डॉक्टर रहमन खरीद कर लेकर गए हैं तो वो लगाए हैं, सरकार जो भेजी है डेनमार्क लगाए हैं, और जापान में 4 बार पूरे जापान में ये हुआ है। फिर वहां से आया जर्मनी, फ्रेंकफर्ट जर्मनी में बहुत बड़ा पेंटिंग मछली को बनाए, उसी पर अवार्ड मिला। शांति देवी एक मैं हूँ, एक और है चतरा का जो गंगा देवी का भतीजे का बहू, तो वो भी गई उस टाइम में गई थी, तो वो पेंटिंग हम बना का है। उस मछली पर हमको 9,00,000 रुपया सेक्शन हुआ। वो हम गांव चले आए, वो दिल्ली में थी तो वहां से किसी ने आया कहने के लिए, तो उन्होंने कहा जो मेरा पेंटिंग है, तो उस पर हम जिसका हम जापान में थी उस टाइम में, तो हसकबा ने बोले जो आपको फ्रांस में जो गए थे यहाँ जर्मनी में आपका मछली में 9,00,000 रुपया आपको मिला, हमको दीजिए 1,00,000 रुपया मिथिला म्यूजियम को, हाँ दे देंगे। हम सोच रहे थे मजाक कर रहा है, जब इंडिया में आए हैं तो सुने ऐसे से बात, कोशिश किए लेकिन ये तो तत्काल लिखा पर ही लेन देन पैसा को भी सब दे दिया था। 6 महीना के लिए हम गए थे वहाँ। सरकार कुछ कर रही है बहुत, पेंटिंग में कहाँ कुछ कर रही है, पेंटिंग के लिए जितना है जो ये तो बड़े लोग कही काली दुर्गा फलना चिल्ला ये सब को लोग किए है, दलित को कुछ नहीं किए हैं। दलित को ये अवार्ड मिल गया हमको, उससे क्या हुआ। एक अवार्ड है पढ़ा लिखा घर का बच्चा सब है, उनको कुछ अपना जगह बैठाए
सीता देवी जी को जो हुआ उनका बेटा को दिया, जज आए थे एक बार कहा क्या चाहिए, उनको बेटा को बैठा दिया, उनको पोता को हुआ, फिर पोता को, तीन चार को हुआ, उनके आला जगदम्बा देवी जी को उस टाइम में बच्चा बाल विवाह वो हो गए थे, बेवा बोलते हम लोग, पति मर गए थे, तो सत्यनारायण लाल दास कर्ण है इसी गांव का, बाल भवन में नौकरी हो गया उनको, उसके अलावा कहाँ ककरो हुआ है, किसी को नहीं। अब जो है दलित समाज में तो किसी को नहीं दिया है, यानी हम ये प्रश्न कई जगह बोले हैं, कलाकार घर घर में एक एक कलाकार का बच्चा, अब तो पढ़ा लिखा, पहले नहीं पढ़ा लिखा था तो सरकार ने बोलते थे जो पढ़ाई अपने अपने बच्चा को, हम लोग हैंडीक्राफ्ट में जब शिरोमणि शर्मा थे जीसी, जब इंदिरा गांधी के टाइम में 84 में गोकुल जयकर जी, अरे दलित को पढ़ाइए, अब लोग पढ़ाइए बच्चे को, हम लोग उस टाइम में छोटा बच्चा था मेरा, उतना उतना कितना बच्चा सब अभी दलित को हो गया, किसी को नौकरी पर कहाँ कोई है। अभी भी जो बहाली करने गया है वो सौराठ सभा लगता है, वहां पर एक इंस्टीट्यूट बना है मिथिला पेंटिंग का, इसमें भी दलित को नहीं दिया गया, एक भी दलित को नहीं, सारे ब्राह्मण समाज को दिया है, कैस्ट समाज को दिया है, एक कलेक्टर साहब, और बुझने भी नहीं दिया है, जो होता है कबारे पेपर में निकलता है, कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं है, कलाकार खूब बढ़िया बढ़िया है लेकिन अंगूठा निशान देते हैं, अब थोड़ा बच्चा लोग सिखाए है तो नाम लिखते हैं, ऐसा ऐसा कलाकार, जमुना देवी नेशनल अवार्ड अंगूठा निशान देती थी, उसका मैट्रिक एमए बेटा पढ़ करके अभी बुढ़ा गया, नहीं कुछ हुआ, जो खंडानी से हम निवेदन किए इनको दीजिए सर्विस पर, नहीं दिया, दलित समाज को एकदम वही दलित है, वही विचार वही व्यवहार हम लोग के साथ होता है, नहीं बढ़ाया गया है। दम के डारी झूले कृष्ण मुरारी ना, के यो झूलावे कृष्णा झूले राधा झूलावे, दुनु बेरा बेरी झूला लगे कदम के।